बस कुछ एक दो शब्द आप इसके बारे में बोल दीजिएगा। कितना शुभ काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं बॉबी जी। आज होली है तो होली के आपको होली की शुभकामनाएं, और मैं बॉबी जी को धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और इतना टैलेंट दिया, और भगवान करे इनकी जो म्यूजिक वीडियो है ये काफ़ी अच्छा है और इनकी सोच काफ़ी अच्छी है। गॉड ब्लेस यू। काफ़ी अच्छा दर्शाया है उन्होंने, कहा अपनी सोच से कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको जिनके पास क्षमता है बेटी की वो ले सके और एक उनको अच्छा जीवन मिल जाएगा, अच्छी सोच मिल जाएगी, तो ये उनकी सोच है। और सबसे मेरे मन खान जी आज क्या क्या आजकल ना आजकल जनरेशन जो यूथ है अपने माँ बाप को बीच रास्ते पे छोड़ देता है। माँ बाप हाँ तो लोग बात है। हाँ जी 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 आप तो माँ बाप इतने प्यार से पालते हैं, आपको छाया देते हैं, उसके चाहे कुछ भी हो तो ये बहुत ही विभत्स बात है कि माँ बाप जो अपने बच्चे को पालते हैं और उसके बाद वो चार चार बच्चे पालते हैं और एक चार बच्चों से एक माँ या बाप नहीं पलते, ये बहुत ही घिनौनी बात है समाज की। माँ बाप कैसे भी हों भगवान का रूप होते हैं, तो आपको उनको प्रेम देना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि सोच बदल गई है यूथ की अभी, पर कुछ भी हो माँ बाप होते हैं, और जो अपने माँ बाप का सगा नहीं हो सकता उस दुनिया में किसी का सगा नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छी बात है सर, दान सबसे बड़ी इस दुनिया में हम आए तो दान बहुत जरूरी है कि दान से हम बहुत सी सारी मुसीबत से बच सकते हैं, ऐसा कहा जाता है हिंदुओं में कि दान जैसे करण भी दान से ही मशहूर थे। तो मेरे ख्याल से आपको दान करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ काफ़ी लंबी है, तो लोगों को प्रेम दे तो आप बच जाएंगे। थैंक यू सो मच। और मलखान जी को मैंने एक प्रोग्राम के अंदर ये अपनी माँ को वो कहते भगवान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, मैंने एक समारोह में देखा था तो इनको देख के मेरे खुद की आँखों के आंसू आ गए थे। ये बहुत सच में माँ को इतना प्यार करने वाले इंसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत नॉर्मल से क्या नहीं नहीं ऐसे कलाकार के तौर पर जब मैंने देखा कि वहाँ पे कोई बनावटी नहीं, एक बच्चा है एक माँ के साथ है, वो देख के मेरा दिल रोम हो गया। मुझे लगा कि इस जो ये एल्बम है मैं इन्हीं से वो करवाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो मुझे बहुत खुशी होगी। और एक छोटा सा गिफ्ट मैं आपकी माता के लिए देना चाहूंगी, प्लीज आप बैठिए। एक छोटी सी भेंट है मैं मलखान जी की माता जी को दे रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा कि वो इनको पहनेंगे तो मुझे मेरा दिल खुश हो जाएगा कि मेरी माता जी। मैं जरूर बता दूंगा अपनी माँ। थैंक यू जरूर, मुझे आप हमेशा इतना मतलब इतने प्यारे बच्चे रहे हैं आप, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे इस छोटे से निवास स्थान पर आपने इतना समय निकाल कर आप आए ना। आप सच्चे कलाकार है बिल्कुल। थैंक यू मलखान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जी क्या कहना चाहेंगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका आज इतने शुभ दिन आपने अपना गाने का पोस्टर लॉन्च किया और मलखान जी ने आके शुभकामनाएं दी और उन्होंने लॉन्च किया, तो कितने खुश हैं और इस होली को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं मेरी पूरी मीडिया और जितने भी मेरे प्रशंसक है भाई बहन है बड़े बुजुर्ग है सबको होली और रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दोनों फेस्टिवल
सबको। हाँ, दोनों फेस्टिवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे मेन है कि मलखान जी ने सच में इतने बड़े एक्टर और रियल में एक रियल हीरो होता है ना, जो रियल एक्टर होता है, वो आए, सच में मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने थोड़ा सा समय निकाला और समय के अंदर ही उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, और मैं दिल से बहुत खुश हूँ। आज मेरा त्योहार मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी लेके आया है सच में। किस तरह से लोग रंगों से खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ जी जी। आज की डेट में कोई भी त्योहार हो, आपने देखा है कि सब नशे में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन आप अपने इस होली को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि लोगों को कुछ दान दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कब से आपके दिमाग में है और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं माँ शांति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हूँ, और उसमें से मैं अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के अपने बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको खाना और कपड़े वगैरह और जरूरतमंदों को कुछ कुछ चीजें हमेशा दान देती रहती हूँ। और ये मैं देने वाला मैं कोई नहीं हूँ, ये ऊपर वाला है जो मुझसे करवाता है, और बस ये मेरी माँ का आशीर्वाद है मेरे साथ में। कहते हैं कि संसार के सारे मिथ्या है, सब है, लेकिन माँ से सच्चा इंसान कोई नहीं है, और वही मेरी परमात्मा है, और वही मेरा मेरी जिंदगी का सुखद एहसास है मेरी जिंदगी पे। बस ये सबसे मेरे स्वभाव की वजह से इतने बड़े बड़े एक्टर आ जाते हैं। ममता जी भी बैठी हुई है। हाँ जी जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने तो काम भी कर लिया बॉबी जी के साथ में गाने में। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को, आप लोगों सबको, मैं मीडिया को हार्दिक स्वागत करती हूँ होली की। सबको मुबारक हो और रमजान भी। मुझे बॉबी जी के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है, और मतलब एक अब से नहीं, काफी समय से हम लोग एक साथ हैं, तो अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड हैं, और साथ में काम भी किया है, और मेरा तो घर जैसा आना जाना है उनके पास, मैं कभी भी आ जाती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी कलाकार है, बहुत अच्छी इंसान है, और आज भी बहुत समय निकाल कर वो आई, क्योंकि उनके घर में भी पूजा थी, लेकिन वो नहीं, ये सबसे पहले मेरा जरूर है, मुझे आना है, तो ये अपना घर समझती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो रियल इंसान होते ना और रियल एक्टर के तौर पर जीते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आती ना एकदम बिंदास रहती हूँ, बिंदास, जो भी खाना है जो भी पीना है मैं बिंदास लेती हूँ, मतलब कि मेरी मम्मी है। मुझे माँ मानते हैं सच में, रियल में मुझे बहुत खुश है। कोई माँ, बहन, बेटा, पता नहीं किस किस नाम से मुझे लोग पुकारते हैं, और मेरा दिल खुश हो जाता है। मेरा कोई एक नाम है ही नहीं, लोग मुझे अलग अलग नामों से पुकारते, जो मुझे मुझे लगता है कि मेरी पूरी फैमिली ही बन गई। मुझे मुझे एहसास ही नहीं होता कि मेरा कोई नहीं है, मेरा तो सभी कोई है, मेरा संसार ही सभी है। अभी देखिए कि अभी कुछ लेडीज, कुछ माताएं बाहर खड़ी हैं, मैं उनको बुलाना चाह रही हूँ कि वो आए तो बताएं। माता जी आइए, आप इनको साड़ी, माता जी बुला लीजिए, आ जाओ, तो काफी काम भी किया है। नहीं, अभी तो फिलहाल यही किया, अभी और आगे करने का प्लान है। हाँ, और अच्छा करने का प्लान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम और बॉबी जी और अच्छा करेंगे। कामना है आज आपका गाना लॉन्च करके के मलखान जी, तो आज इतने अच्छे मौके पे आपके गाने का पोस्टर लॉन्च हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना पॉजिटिव फील कर रही है, कितना खुश है आप अपने गाने को? मैं अपने गाने को लेके बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, और आज का दिन भी इतना शुभ मुहूर्त पे है, होली का दिन है, और मलखान जी हमारे इस गाने को प्रमोट कर रहे हैं, पोस्टर लॉन्चिंग में वो आए, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए हो नहीं सकती। और मैं इस गाने को लेके बहुत पॉजिटिव महसूस कर रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये गाना जैसे ही आएगा मार्केट में धूम मचा देगा। ठीक है, बॉबी जी से पहले से डिसाइड हो गया था कि गाने को होली के शुभ अवसर पे ही मतलब इसको लॉन्च करेंगे। जी, हमारी पहले से बात हो रही थी, और उन्होंने कहा था कि ऐसे ही शुभ मुहूर्त पे हम इस गाने को लॉन्च करेंगे, और क्योंकि ये डिवोशनल सॉन्ग है, तो हम लोग का ऐसा पहले से भी हम लोग ने डिस्कशन किया हुआ था कि ऐसे किसी मौके पर करेंगे, और होली का ऐसा जो पर्व है वो हम लोग को एक दूसरे के साथ प्यार बांटना सिखाता है, तो होली को कुछ अलग तरीके से हम लोगों ने मनाने का सोचा, और जब हम लोग का ये गाना जो रिलीज हो रहा है उसके शुभ अवसर पर हम कुछ गरीब माताओं बहनों को, जो माँ शांति देवी ट्रस्ट है, उसके जरिए हम उन बहनों को, माताओं को साड़ी और प्रसाद देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से ये गाना बहुत ही सुपर हिट हो और सबको पसंद आए। आपने आज दान भी किया, मोदी जी ने करवाया आपसे, तो कैसा फील कर रही हैं?
इससे खुशी की बात कुछ और हो नहीं सकती कि ऐसे मौके पर किसी गरीब का आशीर्वाद लेना, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ऐसे कर्म से आपका अपना भी अच्छा ही होता है, आपकी आपको सबकी आशीर्वाद मिलती है और अच्छा लगता है। पति जी आपके बाजू में बैठे हैं, पत्नी जी आपके बाजू में बैठे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना खुश हैं आप? हाँ। ये गाना इतने अच्छे मौके पर लॉन्च हो रहा है। हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। ये गाना एक अच्छे समय पर रिलीज किया जा रहा है और पोस्टर लॉन्चिंग है, बेसिकली रिलीज तो अभी नहीं है, पोस्टर लॉन्चिंग अच्छे एक मौके पर किया जा रहा है और बॉबी जी ने काफी इसको धार्मिक रूप देने का ये किया है और ये हो रहा है। हाँ, धार्मिक है और जैसे उनका एक अपना चैरिटेबल ट्रस्ट है माँ शांति देवी, वो उनके थ्रू वो मैं हम तो काफी समय देखते ही रहते हैं, वो काफी उस पर एक्टिव रहते हैं और सपोर्ट करते हैं जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, माताएं हैं, उनको काफी करते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है पोस्टर लॉन्चिंग का और हम लोग काफी खुश है और लगता है कि ये गाना हिट तो होगा। आप दोनों ने काम किया है इस गाने पे, दोनों में परेशान सबसे ज्यादा बॉबी जी को किसने? मुझे लगता है मैंने ही परेशान किया ज्यादा। हमारा तो हम तो तैयार होने में हमें ज्यादा कुछ ये नहीं लगता है, तो हमने परेशान नहीं किया, लेकिन अच्छा रहा हमारा ऑल टुगेदर। और कुछ आने वाला है आप दोनों का मार्केट में, कुछ पाइपलाइन में है या बस? हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पे अभी मैं काम करने जा रही हूँ और कुछ कर भी रही हूँ तो। और मेरा आगे का भी प्लानिंग है बॉबी जी के साथ, और भी दो चार गाने हमारे आने वाले हैं तो। इससे पहले भी आपने कुछ गाए कुछ किए हैं? हाँ, इसके पहले मैंने एक छठ पूजा का सॉन्ग किया था और उसमें मेरा वीडियो में एज ए एक्ट्रेस मैं थी उसमें लीड में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका गाना ही तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। जी पहली बात तो मेरी तरफ से हैप्पी होली सबको एंड स्पेशली बॉबी जी को, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतना सबको दान पुण्य करते हैं, इतना अच्छा, एंड मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इनकी। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बॉबी जी के साथ जुड़ी हूँ और उनके साथ काम कर रही हूँ, आगे जाके हम साथ में काम करने वाले हैं, तो मेरी तरफ से बॉबी जी को बहुत शुभकामनाएं। जी इससे पहले मैंने एक मूवी की है एंड एक ऐड किया है एंड आगे भी काम करने की इच्छा है बॉबी जी के साथ में। सो पूजा जी आई है, मुझे बहुत खुशी हुई है सच में, और पूजा जी तो है ही है और साथ में मेरी फैमिली भी आ गई है सारे, तो मुझे तो और भी ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और मैं न्यू दिल्ली से एक और के नेक्स्ट मेरा हरियाणवी सॉन्ग है लचक, जिसमें कुछ बोलियां हैं, जो रेणुका पवार जो हरियाणा की बहुत बड़ी सिंगर है, तो निमिता जी उसके अंदर कुछ बोलियां हैं इन फ्यूचर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट लचक का है जो बहुत बड़े लेवल पर शूट होगा बॉम्बे के अंदर, तो उसमें अपनी जो मधुर आवाज है निमिता जी उन्हें बोलियों में देंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ये भी एक नया उनके लिए एहसास होगा हरियाणा का। थैंक यू सो मच, थैंक यू।